नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के बारे में। राइट, क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स कई कंपनी के आने शुरू हो चुके हैं। हमने कल ही आईटी कंसल्टिंग इंडस्ट्री के रिजल्ट जाने। अब देखो आईटी कंसल्टिंग यानी निफ्टी का 12 से 13% मार्केट शेयर उनका है, रिलायंस का 9% है, तो ये 20% मार्केट में जिसका वेटेज है। उनके रिजल्ट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, ऐसा हो गया दोस्तों। यही गाइड करेंगे निफ्टी को कि इनके रिजल्ट्स कैसे हैं। आईटी हमने देखा म्यूटेड रिजल्ट्स है, बुरे नहीं है, अच्छे नहीं है, तो वो इंडस्ट्री करेक्शन मोड पे है। रिलायंस इंडस्ट्री क्या नतीजे लेके आई है, आइए दोस्तों इस पे चर्चा करें। रिलायंस इंडस्ट्री यानी क्या दोस्तों? भारत की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा धंधा करने वाली कंपनी, 6 लाख करोड़ का जिनका धंधा है दोस्तों। इस साल रिलायंस भारत की पहले नंबर की सेल्स की भी कंपनी हो जाएगी, आईओसी को पीछे छोड़ते हुए। भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाली कंपनी, करीबन 40,000 करोड़ का जो मुनाफा करती है। सबसे बड़ा जिनका मार्केट कैप है, हाईएस्ट मार्केट कैप रिलायंस का ही है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट जीएसटी पेयर एंड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट टैक्स पेयर। सो नो डाउट एक बढ़िया हिस्ट्री, एक बढ़िया समय रिलायंस दिखा रहा है दोस्तों। रिलायंस जो 2000 के साल में करीबन 30,000 करोड़ का उस समय धंधा करती थी, प्रॉफिट इनके 2500 करोड़ के थे। कंसिस्टेंट ग्रोथ हम लोगों ने देखा और इन्होंने अलग अलग इंडस्ट्री में अपना डाइवर्सिफिकेशन किया, वो इंडस्ट्री जो ग्रोइंग थी। तो दोस्तों ग्रोइंग इंडस्ट्री में बिजनेसेस बढ़ते चले गए, जिसके कारण आज अगर हम देखें तो ये 30,000 करोड़ का धंधा 6 लाख करोड़ के धंधे में कन्वर्ट हो चुका है, 20x। 2500 करोड़ का प्रॉफिट 40,000 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है, बढ़िया ग्रोथ। करीबन 16% सीएजीआर के ग्रोथ से रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ते हुए देखा। देखो शानदार ग्रोथ कह सकते हैं इसे हमें, हम कंसिस्टेंट ग्रोथ पिछले 2 डिकेड का दोस्तों। ये पूरा हिसाब आपके सामने है, जैसा मैंने आपको बताया 2000 में ये 30,000 करोड़ का धंधा करते थे। कंसिस्टेंट ग्रोथ आप देख पा रहे हो पिछले 2 डिकेड का। इतने सालों में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ जब इनका बिजनेस घटा था। उसी प्रकार से नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ हम देख पा रहे हैं, किस प्रकार से ये 2500 करोड़ से 40,000 करोड़ तक पहुंचे। इतने 2 डिकेड में सिर्फ एक वाक्य ऐसा था, सॉरी 2 जगह ऐसी थी जब इनके प्रॉफिट घटे, 2011 में और 2008 में जब मंदी थी। राइट, तो एक बार प्रॉफिट धंधा घटा, 2 बार सिर्फ प्रॉफिट घटे, लेकिन ये घटे थे, लॉस मेकिंग नहीं थी। हमें ध्यान रखना चाहिए रिलायंस कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना जानती है। इसी वजह से जो इनका रिजर्व एक जमाने में 10,000 करोड़ था दोस्तों, बोनसेस, कंसिस्टेंट डिविडेंड, बायबैक्स देने के बावजूद आज आप देख पा रहे हो कंपनी के पास करीबन 3 लाख करोड़ का रिजर्व है, हाई कैश रिच कंपनी। राइट, कंपनी के मार्जिन्स कंसिस्टेंट है, तो ऐसी कंपनी हो तो उस पर हम फ्यूचर पे भी अच्छी आशा रख सकते हैं। आप देख पा रहे हो कंसिस्टेंट हर साल कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये 6 लाख करोड़ का धंधा दोस्तों कहां से आ रहा है? 6 लाख करोड़ का धंधे में से अगर हम देखें तो 50% शेयर अभी भी रिफाइनिंग का है, जो उनका पुराना धंधा था। लेकिन ये कहा जाता था कि डायरेक्ट B2C में रिलायंस अच्छा नहीं कर पाती है। आज अगर हम देखें तो B2C में भी रिलायंस ने जबरदस्त कमाल किया है। देखिए रिटेल जो एक जमाने में सिर्फ 1.7% था, आज रिटेल और डिजिटल मिलके 33% रिलायंस हो चुके हैं। अब देख पा रहे हो 20% रिलायंस टुडे इज रिटेल, 18% पेट्रोकेम, 8% डिजिटल, 4% में अदर्स आते हैं। अदर्स यानी जिसमें आपको पता है ये
ब्रॉडकास्टिंग की जो चैनल्स भी है इनकी, राइट। ऑयल एंड गैस बिल्कुल कम सेल्स है इन लोगों का, राइट। ग्रोथ भी अगर हम देखें तो मेजर जगह पे इनका डीग्रोथ भी हुआ है, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस सब जगह पे धंधे घटे हैं। यस, कमाल किया है इन्होंने रिटेल क्षेत्र में, तो रिटेल क्षेत्र जो एक ग्रोइंग इमर्जिंग इंडस्ट्री है वहां पे इनका 33% का ग्रोथ है। तो दिस ग्रोथ इज बेटर देन डीमार्ट और फ्यूचर, बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं लोग। डिजिटल सर्विस में भी 45% ग्रोथ, नहीं हाई ग्रोथ इनका ओवरऑल। इसकी वजह से रिलायंस ने ये साल भी अच्छा ग्रोथ किया है दोस्तों। सबसे पहले हम थोड़ी रिटेल पे चर्चा करें कि रिलायंस रिटेल क्या है, जहां से इनको 20% आज धंधा मिल रहा है और 33% का ग्रोथ है। दोस्तों रिटेल क्षेत्र, अगर खुद रिटेल इंडस्ट्री हम देखें तो ये भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई एक इंडस्ट्री है। वर्ल्ड वाइड देखें तो वॉलमार्ट इसका लीडर है, करीबन 1945 से में वॉलमार्ट ने अपनी शुरुआत की थी। आज दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा तो इनके स्टोर है। दोस्तों वॉलमार्ट करीबन 40 लाख करोड़ का धंधा करता है दुनिया भर से, तो एक बड़ी इंडस्ट्री ये है। भारत में इट्स जस्ट बिगिनिंग ऑफ रिटेल। भारत में अभी हम देखें तो खाली 15% बिजनेसेस ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री से आ रहा है, 85% अभी भी टर्नओवर छोटे रिटेल स्टोर्स या अनऑर्गेनाइज्ड स्टोर में से आता है। दोस्तों 15% जो ऑर्गेनाइज में से आ रहा है उसमें भी मेजर शेयर डिपार्टमेंट स्टोर्स का है, कुछ 5% शेयर अभी ई कॉमर्स ने ले लिया है, तो ई कॉमर्स भी धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड वाइड देखे तो ई कॉमर्स ने बहुत बड़ा और बढ़िया ग्रोथ किया है, कैसे हम कह सकते हैं। वॉलमार्ट 1945 से है पर अमेजोन की शुरुआत तो बहुत लेट हुई, फिर भी अमेजोन 20 लाख करोड़ का धंधा कर रहा है, यानी वॉलमार्ट जो 100 साल पुरानी है तब तक पहुंचने को आई है, आधा तो ये लोग पहुंच चुके हैं, राइट। तो कोई डाउट नहीं, आने वाले समय में ई कॉमर्स एक बड़ी इंडस्ट्री बनेगी दुनिया भर के लिए, भारत के लिए भी। तो भारत में सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर रिटेल की अगर कोई होगा तो वो ई कॉमर्स ही होगा। इसी वजह से भारत के जो रिटेलर है वो भी वही क्षेत्र वही प्रोडक्ट ज्यादा बेचते हैं जो ई कॉमर्स में कम बिकती है, राइट। और खुद भारत के रिटेलर भी ई कॉमर्स में एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि इनको पता है कि आने वाला जमाना तो ई कॉमर्स का है, राइट। अब रिलायंस रिटेल अगर हम देखें तो वो लार्जेस्ट रिटेलर है दोस्तों, भारत के सारे डिपार्टमेंट स्टोर एक तरफ और रिलायंस एक तरफ। दूसरा जो सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है रिटेल में वो है डीमार्ट, और हम फ्यूचर यानी बिग बाजार ग्रुप भी देख सकते हैं। वो दोनों दोस्तों 25,000 करोड़ का धंधा करते हैं, तो दोनों मिलके 50,000 करोड़ करते हैं। सारी लिस्टेड कंपनी मिला लो तो भी वो 70,000 करोड़ जितना करते हैं। आप सोचो रिलायंस रिटेल अकेला 1.30 लाख करोड़ करता है, यानी ये HDFC बैंक और TCS जितना धंधा करता है, राइट। भले ये इंडिविजुअल लिस्टेड नहीं है पर ये इंडिविजुअली कई बड़ी लिस्टेड कंपनियों से बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, राइट। इस साल 9 मंथ के भी रिजल्ट देखे 33% का बढ़िया ग्रोथ, राइट। तो जैसा हमने बताया लार्जेस्ट देन ऑल रिटेलर कंबाइंड 10,900 स्टोर्स खोल चुके हैं, 67 टाउन्स तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। जस्ट इन्होंने शुरुआत की थी मेगा सिटीज से, फिर ये मेट्रो में गए, फिर ये Tier 2 Tier 3 में गए। आज देखो दोस्तों 6700 टाउन्स, यानी भारत का 98% पॉपुलेशन तो इन्होंने कवर कर लिया है, राइट। वेरी स्मार्टली मूविंग। पिछले साल ही इन्होंने 1755 स्टोर तो नए ऐड किए, जस्ट अंदाजा लगाइए डीमार्ट साल के 2021 स्टोर खोल रहा है, उनके टोटल स्टोर 200 है, ये लोग 1800 स्टोर तो इन्होंने सिर्फ पिछले साल खोले। तो हम ये कह सकेंगे हाईली एग्रेसिव बढ़ रहे ये लोग आगे, राइट। देखो डिपार्टमेंट स्टोर का तो ग्रोथ है ही, तो सबका ग्रोथ है, डीमार्ट का है, फ्यूचर का है, रिलायंस है, सब लोगों के स्पेंसर हो, सबके धंधे बढ़ रहे हैं, शॉपर स्टॉप हो, पर सबसे एग्रेसिव डीमार्ट और रिलायंस है, उसमें रिलायंस का तो कहना ही क्या। रिलायंस कैसे बढ़ता है, तो रिलायंस अलग अलग उन्होंने प्लेटफॉर्म से वो लोग बढ़ रहे हैं। जैसे एक प्लेटफॉर्म है रिलायंस ट्रेंड, जहां पे वो लोग कपड़े अपैरल सेल करते हैं। देखिए 1900 स्टोर्स उन्होंने खोल चुके हैं, 32% से धंधा बढ़ रहा है, 117 नए स्टोर्स खोले,
वंडरफुल वर्क। दूसरा जो उनका प्लेटफॉर्म है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म, रिलायंस डिजिटल जिसे हम कहते हैं, जहां पे लैपटॉप एसी वगैरह बिकता है, राइट। 8000 से ज्यादा स्टोर खोल चुके हैं भारत भर में, 20% ग्रोथ है इनका, 235 स्टोर इन्होंने पिछले साल ही खोले। रिलायंस स्मार्ट 670 स्टोर खोल चुके हैं जहां पे ग्रोसरीज मिलता है, 50% ग्रोथ है, 65 स्टोर तो इन्होंने पिछले साल खोले। पेट्रोल रिटेल के उनके खुद के 516 से ज्यादा आउटलेट है। तो देखिए दोस्तों, ब्रॉड बेस में रिलायंस बढ़ रहा है, करीबन 1,00,000 पीपल एम्प्लॉयड किए इन लोगों ने, 1.13 लाख पीपल आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, और ये सक्सेस है हर क्वार्टर में 15 करोड़ का फुटफॉल आकर्षित करने में, राइट। यस, ये लोग अपने स्टोर्स में हर क्वार्टर 15 करोड़ लोगों को ला पाते हैं। दोस्तों कोई भी डिपार्टमेंट स्टोर के लिए ये चैलेंजिंग रहता है कि वो हर क्वार्टर हर महीना कितना फुटफॉल करे, क्योंकि जितना ज्यादा फुटफॉल उतने ज्यादा सेल्स, तो दिस इज द रीजन दे आर सक्सेसफुल, वो लोगों को ला सकते हैं अपने स्टोर तक। सेल्स 2009 में इनका खाली 3400 करोड़ था, 3400 करोड़, दोस्तों आज 1.3 लाख करोड़, 44% सीएजीआर बोलो या 6 साल में 7 गुना सेल्स हुआ है, कोई भी रिटेलर से ज्यादा ग्रोथ किया इन लोगों ने। 85% सेल्स इनका आ रहा है कनेक्टिविटी में से, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में से और ग्रोसरी में से, राइट। वंडरफुल गोइंग दोस्तों। हेमलिस हम जानते हैं, यूके की बड़ी टॉयज की कंपनी, 150 साल पुरानी कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया। दोस्तों इनके भारत में भी अभी 100 से ज्यादा स्टोर तो हो चुके हैं और इंटरनेशनल ब्रांड है। आईटीसी की जॉन प्लेयर एक्वायर कर चुके हैं। दोस्तों इनका फोकस अप्रैल पे बहुत है। अप्रैल्स क्यों दोस्तों? अप्रैल पे इनका हाई फोकस है क्योंकि ये लोग जानते हैं भारत में 44 करोड़ मिलेनियल्स है। अब आप बताओ अप्रैल सबसे ज्यादा खरीदेगा कौन? मिलेनियल ही खरीदेंगे, 44 करोड़ मिलेनियल्स। लेकिन एवरेज इंडियन मिलेनियल एवरेज चाइनीज मिलेनियल से 5 गुना कम कपड़े खरीदता है, क्योंकि एवरेज चाइनीज की इनकम 5 गुना एवरेज इंडियन से ज्यादा है। पर ये रिलायंस जानता है कि दुनिया की इनकम सिर्फ 2% से बढ़ रही है पर हेड इनकम, दोस्तों इंडियन की इनकम 10% से बढ़ रही है। तो ये लोग जानते हैं 2030 आते आते इंडियन मिलेनियल्स की इनकम जबरदस्त बढ़ेगी, जो हाई ग्रोथ देगा इनके एप्रल्स के धंधे को। तो अभी से ये लोग फैला रहे अपना धंधा, हाईली फोकस्ड। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, अभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखें तो इंडिया ऑलरेडी बहुत ही लो पेनेट्रेटेड है। भारत में खाली 8% घरों में एसी है वर्सेस चाइना 90% हाउसेस में एसी। खाली एसी छोड़ो, वॉशिंग मशीन हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर हम देखें, हर चीज में हम कम है। क्यों? क्योंकि हमारी जीडीपी पर कैपिटा कम है, पर हेड इनकम कम है। जैसे जैसे इंडियन की इनकम बढ़ेगी, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का धंधा जबरदस्त चलेगा। दोस्तों एसी का सेल इनको आशा है 2025 आते आते साल के करोड़ एसी बिकने वाले हैं। खाली एसी नहीं, एलईडी टीवी हो या अलग अलग चीजें, जैसे इनकम बढ़ेगी बिकने वाले हैं। ये एसी आज मेरे ख्याल से 40 लाख एसी साल के बिक रही है इंडिया में। तो जस्ट अगर 1 करोड़ एसी बिकते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनका रिलायंस डिजिटल कितना बढ़िया ग्रोथ करेगा, राइट। आज दोस्तों ये दुनिया के टॉप 100 रिटेलर में आ चुके हैं 2025 तक। मेरे ख्याल से ये दुनिया के टॉप 20 रिटेलर में होंगे, राइट। तो शान है रिलायंस, नो डाउट। दोस्तों जियो, रिलायंस के अलावा जियो भी जो इनको अच्छा धंधा दे रहा है। जियो अगर आप देखो यार, 50,000 करोड़ तो ये लोग इस साल पहुंच जाएंगे, देखो 46,000 करोड़ का सेल्स है। अब 50,000 करोड़ का धंधा यानी 38% का इन्होंने इस साल ग्रोथ किया है। 50,000 करोड़ मीन्स इसे हम यूज कहेंगे, ये छोटा मोटा नहीं है। आज कितनी कंपनियां बरसों से धंधा कर रही हो, 50,000 करोड़ नहीं पहुंचे है, तो कितने एग्रेसिव रिलायंस चीज में। लार्जेस्ट बेस है इनका 35 करोड़ सब्सक्राइबर्स। दोस्तों ये सारे अलग अलग ऑपरेटर के सब्सक्राइबर जियो में ट्रांसफर हुए हैं पिछले इतने साल में। दोस्तों ये महीना पहला ऐसा महीना था लेकिन जब रिलायंस के भी सब्सक्राइबर कम हुए हैं।
इनके भी सब्सक्राइबर कहीं और ट्रांसफर हुए हैं। क्यों पता है? क्योंकि अभी सारे जो भी ऑपरेटर्स है सब ने अपने अपने भाव बढ़ाए। तो इस साल जियो नहीं, मेरे ख्याल से इस साल से भारती के भी प्रॉफिट बढ़िया रहेंगे, राइट? लेकिन चलो, बेस तो इन लोगों ने बढ़िया बना दिया है, फ्री कर करके अच्छा बेस बना, लोगों ने क्वालिटी देखी तो वो बेस बरकरार रहा। कुछ लोग निकले हैं और आने वाले कुछ समय में भी कुछ जियो का बेस थोड़ा कम तो होगा, राइट? एआरयू इनका बहुत अच्छा है, 120 रुपीस पर मंथ इज डेफिनेटली गुड। 65% दोस्तों 4G का इन लोगों का मार्केट शेयर, बढ़िया काम किया है। अब ये सब जो धंधा 50,000 करोड़ का आ रहा है ना, ये तो खाली एक ग्रोथ इंजन से आ रहा है, एक पाइप लगाए उसे, अभी तो 4 ग्रोथ इंजन पाइप बाकी है। पहली, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों ये अनुमान है, आने वाले समय में भारत में हर घर में 10 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड होंगे। हो सकता है आपका टीवी, हो सकता है आपका फ्रिज, हो सकता है आपका माइक्रोवेव, आपकी गाड़ी, कितनी चीजें इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होगी। तो भारत भी 2 साल बाद जरूर 5G पे प्लान करेगा, और इनका तो ऑलरेडी सब प्लानिंग है इसके अंदर, राइट? भरपूर फायदा इनको मिलेगा, ब्रॉडबैंड थ्रू केबल एंड सेट टॉप बिजनेस, ये उनका दूसरा पाइपलाइन। दोस्तों हैथवे डैम ये सब का तो इन्होंने एक्वायर ऑलरेडी कर दिया है ये धंधा बढ़ाने के लिए। दोस्तों ब्रॉडबैंड फॉर एसएमई ये इनका तीसरा बड़ा स्टार्टअप है। फोर्थ, ब्रॉडबैंड फॉर लार्ज एंटरप्राइजेस। आज हम देखें तो लार्ज एंटरप्राइज में भी इतना बड़ा योगदान नहीं है इंटरनेट का, पर आने वाले समय में भारत में बढ़ेगा। जैसे कंपनियां बढ़ेगी, ये एसएमई हो या लार्ज एंटरप्राइज हो, ये लोग सारे धंधे इंटरनेट से चलाने वाले हैं। दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन्होंने रिक्रूट किए हुए, यानी ये आप ये मत कहो ये कोई टेलीकॉम की कंपनी है, ये एक सॉफ्टवेयर की, ये एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है रिलायंस जियो। कई टाइप्स में रिलायंस ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो स्टार्टअप्स में, टाइप्स नहीं सॉरी, कई स्टार्टअप्स में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है जो आने वाले समय में रिलायंस जियो को बढ़िया बढ़ावा दे सकते हैं, राइट? तो चाय पीते पीते, यस, तो रिलायंस जियो अभी से 3,000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच चुकी है, जस्ट अभी तो शुरुआत की, यानी भारती से भी बड़ा प्रॉफिट करने लगे। दोस्तों इन लोगों ने ब्रुकफील्ड और एफिलिएट्स के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ है, जहां से 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा टावर के लिए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है जियो की, तो अभी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही इन्वेस्टमेंट साइकिल में ये लोग 99% पॉपुलेशन तक कनेक्टिविटी पहुंचा चुके हैं। देखा जिस प्रकार से रिलायंस रिटेल 98% पॉपुलेशन तक पहुंचा है, देखो रिलायंस जियो भी 99% कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। 3.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए इन्होंने और लार्जेस्ट फाइबर फुटप्रिंट कर चुके हैं दोस्तों, राइट? सो जस्ट दैट्स अ वंडरफुल थिंग। दोस्तों रिलायंस का फ्यूचर कैसा लगता है? दोस्तों ओवरऑल रिलायंस हम देखें तो इन्होंने पिछले कुछ सालों में 5.5 लाख करोड़ नए निवेश किए हैं अपने रूट्स को और मजबूत करने के लिए। दोस्तों 2021 में मुकेश भाई का ऐसा कहना है रिलायंस डेप्ट फ्री कंपनी हो जाएगी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट बीपी से आने वाला है, आप जानते ही हो बीपी के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट रिलायंस में आने वाला है, पेट्रो पंप्स के आउटलेट्स में जो टाई अप हुआ है इसके वजह से, एरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ये निवेश करेगी 1 लाख करोड़ जितना, और ब्रुकफील्ड सारा इन्वेस्टमेंट देखे तो करीबन डेप्ट फ्री हो जाएगी। दोस्तों डेप्ट फ्री हो जाएगी तो सोचो, अभी रिलायंस पे करीबन 2 लाख करोड़ जितने डेप्ट है, 15,000 करोड़ से ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये लोग साल का, तो इतना सारा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर डेप्ट फ्री होती है तो ये 15,000 करोड़ में से कुछ 10,000 करोड़ तो ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं प्रॉफिट में, ये जंप देगी रिलायंस को 50,000 करोड़ प्रॉफिट तक पहुंचने में दोस्तों, राइट? जस्ट सोचिए, हमने अभी इनका पार्ट तो देखा ही था कि 17% CAGR से ये पिछले 19 साल से बढ़े हैं, प्रॉफिट इनके 15% CAGR से बढ़े हैं। हम ये आशा रख सकते हैं कि चलो 17 नहीं करीबन 12
12% से तो इनके धंधे आने वाले समय में भी बढ़े, प्रॉफिट भी 12% से इनके आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। दोस्तों इस साल 9 मंथ के रिजल्ट भी इनके अच्छे हैं, 9 मंथ के रिजल्ट पे हम बाद में आते हैं। मैं मेरा 2030 में ये एक्सपेक्ट करूंगा कि रिलायंस करीबन 1,00,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट करती होगी और अर्निंग पर शेयर 232 रुपीज हो जाएगी, राइट। 1.3 लाख करोड़, यानी रिलायंस हो सकता है भारत की टॉप 5 कंपनियां जो 1,00,000 करोड़ पार करे उसमें से एक हो, या टॉप 2-3 भी हो सकती है, राइट। तो कोई शंका नहीं है, मुझे लगता है कि रिलायंस हमें आसानी से 2035 में हम इसको 6,000 के भाव पे जरूर देखेंगे, राइट। पर लेना कब चाहिए? देखो लेने के लिए मुझे क्या करना है, लेने के लिए मुझे लेटेस्ट रिजल्ट देखने। आप अगर करंट रिजल्ट देखो तो 8% से धंधे बढ़े हैं, 8% यानी थोड़ा कम है, राइट। मंदी की असर है, 8% बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। 38% से डेप्ट बढ़ी है, राइट। ये पिछले साल इन्होंने पहले 9 महीने में 11,000 करोड़ इंटरेस्ट में पे किया, इस साल ये 9 महीने में ही 15-16,000 करोड़ तो पे कर चुके, यानी साल का 21,000 करोड़ तो इनका इंटरेस्ट में पे होने वाला है, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। धंधा 8% से बढ़ा, खर्चा 8% से बढ़ा, फिर भी प्रॉफिट 13% से बढ़े। तो ये क्यों बढ़े? क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स जो गवर्नमेंट ने कम किया है इसका फायदा भी रिलायंस को हुआ है, EPS 9% से बढ़ा है, राइट। अब इसकी वजह से हम इस साल अंदाजा रखाएंगे कि रिलायंस का EPS 73 होगा। 73 के EPS की कंपनी हमें करीबन 1100 के करीब अगर ये आता है तो ले लीजिए। देखो ये भाव पे महंगा है, कोई डाउट नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, वो बहुत लोगों को सिर्फ सस्ती कंपनी चाहिए, वो लोग क्वालिटी नहीं देखते। देखो यहाँ पे रिलायंस के केस में भी हम देखे तो हम क्वालिटी पे पहले आए, क्वालिटी वाइज नो डाउट इट्स अ वंडरफुल कंपनी, तो हमें रिलायंस लेनी ही चाहिए। अब महंगी है तो मुझे एग्रेसिव रहना होगा, मुझे ध्यान रखना होगा, जब जब बाजार गिरे मुझे एग्रेसिव होके बाय करना होगा। मैं एक्युमुलेट कर सकता हूं जरूर कोई भी फॉल में, 1100 के करीब लेते हैं तो कोई डाउट नहीं मुझे अच्छी यील्ड मिलेगी, राइट। देखो 1500 पे लेंगे 6000 आएगा, कितना मिलेगा? 1000 पे लेंगे 6000 आता है, कितना बढ़िया पैसा मिलता है, राइट। डिविडेंड अगर इस भाव के हिसाब से मैं देखूं तो कितना, 1.3% मिलेगा, 1.3%। पर जैसे जैसे ईपीएस बढ़ता जाता है मैं 2035 का मेरा डिविडेंड ही 100% एक्सपेक्ट करूंगा, यानी जितना मैं इन्वेस्ट करूंगा उतना तो मुझे साल का डिविडेंड मिलने वाला है, राइट। तो कोई डाउट नहीं आने वाले समय में रिलायंस रिटेल अलग होगी, रिलायंस डिजिटल अलग होगी, तो मैं जो निवेश करूंगा मुझे जिंदगी भर पैसा मिलता जाएगा और अच्छा पैसा मिल सकता है, राइट फ्रेंड्स। चार्ट भी आपके सामने है, ये बाइंग कैन बी डन ड्यूरिंग एनी फॉल। सीधी बात है, जब जब करेक्शन आए, अभी तो कंटिन्यू रैली थी, करेक्शन आता है ये सारा करेक्शन में बाई कर सकते हैं, राइट। ये करेक्शन का बढ़िया पीरियड था ये समय पे, तो ये समय पे बाय करना था, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी वापस कोई भी करेक्शन आता है यू कैन बाय, राइट। बाइंग लेवल 1100 के करीबन हम लोग ले सकते हैं, राइट। रूल ये रखो, बाइंग ड्यूरिंग फॉल एंड अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली। देखो कोई भी चीज हो, रैली में बाइंग अवॉइड करो और जब जब मौके मिलते हैं फॉल के बाय करो, राइट। डिस्क्लोजर बता दूं, Do not buy or sell before consulting your advisor as the writer or speaker, that is me, Piyush Patel, have the position in the above given stock, right? ये सारी डिटेल हमने ऑलरेडी प्रॉफिट फॉर्मेट की साइट पे अपडेट की हुई है, आप ये सारा डेटा वहां पे देख सकते हो और नीचे भी लिंक में मैंने यही प्रेजेंटेशन देखने की लिंक रखी हुई है, राइट फ्रेंड्स। तो मिलेंगे पुणे में, फ़रवरी में वर्कशॉप है प्रैक्टिकल 3 दिन का, आप ऐसे जो लोग चाहे यू कैन अटेंड। और बेंगलोर में और चेन्नई में फ़रवरी और मार्च में हमने 3-3 घंटे के डिस्कवरिंग ग्रोइंग इंडस्ट्रीज और क्वालिटी कंपनीज के सेशन भी रखे हुए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।